बड़े शौक से सुन रहा है समाना। हम कह रहे हैं दास्तानी दिल्ली। दास्तानी दिल्ली भी क्या कहानी है, हमको हर हफ्ते सुनानी है। इसे न तो कोई कहते हुए थका है और न ही कोई सुनते हुए थका। दिल्ली की सरजमीन, खुलूस, मोहब्बत, एतमाद, यकजहती का मरकज है। इसे देखने, महसूस करने के लिए लोग बेकरार तैयार रहते हैं। इससे एकाकार होने के लिए इसे देखने के साथ साथ महसूस भी करना होता है। नहीं, ऐसा नहीं, तुझे देखा नहीं है, तुझे महसूस करना चाहता हूं। आखिर क्या खासियत है दिल्ली की इस जमीन में? खासियत यह है कि इसके दिल को शाहजहानाबाद, चांदनी चौक, वॉल्ट सिटी और पुरानी दिल्ली कहते हैं। कहने को पुरानी है मगर ये शाहानी है। इस शाहानी शहर की इतनी चमक दमक, इतनी चहल पहल है कि देखते ही आश्चर्य होता है। इसका नयापन इसकी अहमियत का एहसास कराता है और विश्वास दिलाता है कि चांदनी चौक एक ऐसे बादशाह के ख्वाबों की हकीकत है जो इसे लाजवाब शहर के रूप में देखना चाहते थे। 355 साल पुराने शहर के बीचों बीच कभी ठंडी हवा फैलाने वाली नहर यानी नहरे बहिष्ट बहा करती थी और खुलूस की इस ठंडी हवा का ही असर हुआ कि यहां हर एक मजहब के इबादत घर वजूद में आए। यहां हर एक मजहब को बानगी मिली। हर एक मजहब के खूबसूरत और शानदार आस्था केंद्र बने। बेशक पूरे संसार में चांदनी चौक ही केवल एक ऐसा पुराना शहर है जहां विश्व के सभी धर्मों के पूजा स्थल एक ही किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं। कहते हैं इस स्थान की सह अस्तित्व की असलियत को देखने के लिए भगवान भी, सर्वशक्तिमान भी बेकरार रहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे सुकून के साथ एक दूसरे मजहब के इबादत घर गलबहियां डाले खड़े हैं और पूरे आलम को इंसानियत और नेकी का पैगाम दे रहे हैं। आप भी देखें बादशाह शाहजहां के ख्वाबों की मुबारक लाल पत्थर से बनी विशाल जामा मस्जिद जो पूरे संसार के लिए इस्लाम का मुबारक पैगाम फैलाने का अनूठा मरकज है। इससे थोड़ी दूर पर जैन लाल मंदिर जियो और जीने दो के संदेश का प्रसार कर रहा है। इसी के साथ लगा गौरी शंकर मंदिर जहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इसी की परछाई में थोड़ी दूर पर करुणा और प्रेम का संदेश देती चर्च चांदनी चौक के मुख्य बाजार में पूरी आस्था का केंद्र है। इसी के सामने चंद कदमों पर स्थित है महान कुर्बानी का केंद्र पवित्र सीस गंज गुरुद्वारा। यहां दिन भर श्रद्धालुओं का मरकज बना रहता है। इसके अलावा भी चांदनी चौक के मुख्य मार्ग पर दोनों ओर छोटे बड़े मंदिर मस्जिद स्थित हैं, जहां से प्रेम और सद्भाव का संदेश सभी को मिलता रहता है। इसी सड़क पर अंत में टाउन हॉल से भी आगे पुरानी फतेहपुरी मस्जिद है, जहां से सीधे लाल किला दिखाई देता है। चांदनी चौक में यूं कहिए कि पूजा स्थलों की बहार है, सद्भाव की बयार है और लोगों में आपस में प्यार है। इबादत घरों का सिलसिला चांदनी चौक की मुख्य सड़क तक ही
महदूद नहीं है। इससे हट के भी कई स्थानों पर महत्वपूर्ण पूजा स्थल बनाए गए हैं। लाल किला से कश्मीरी गेट जाते हुए लाजपत राय मार्केट के साथ और रेलवे पुल से पहले एक पुरानी चर्च है, जिसका महत्व किसी भी मायने में कम नहीं कहा जा सकता। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के यार्ड के सामने श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर स्थित ये है सेंट मेरी चर्च, जो सन 1865 में बनाई गई थी। इस चर्च का निर्माण भारत में आए विदेशियों और सिपाहियों के लिए किया गया था। सेंट मेरीज इज द ओल्डेस्ट कैथोलिक चर्च इन द आर्चडायोसिस ऑफ दिल्ली। इट वाज बिल्ट इन 1865 बाय वन फादर कीगन, हु वर्क्ड देयर फॉर 28 इयर्स। Primarily, it was meant to cater to the needs of the troops who were stationed in the Red Fort, the railway employees who had their housing along the Queen's Road, now called S.P. Mukherjee Marg, and also the employees of the telegraph and telephone institutions. From St. Mary's, the priests reached out to areas like Mori Gate, Turkman Gate, and then Pompeii Bath, Masigar, Karakud, even as far as Kanai, a village in Gurgaon. He worked there for 28 years, and after that we had his successors. Today, St. Mary's has about 400 families, about, 1,500 Catholics, but then there are new churches which have been built up in course of time. St. Mary's, though originally was meant to cater to the British Catholics, after a period of about 25 years, as the local Catholics increased, it became a mixed community of foreigners and the local people. We have this as a great heritage of the Catholic Church in the Archdiocese of Delhi. इस चर्च का बाहरी दृश्य भी इतना मोहक है जितना इसके भीतर जाकर सुकून मिलता है। ये पुरानी और ऐतिहासिक चर्च पिछले लगभग 140 वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। यहां हर प्रकार की ईसाई धर्म की गतिविधियां पूरे इत्मीनान से अंजाम दी जाती हैं। ये वो आस्था केंद्र है जहां श्रद्धालुओं की कमी भी कभी दिखाई नहीं देती। दिल्ली और आसपास से आने वाले श्रद्धालु पूरी शांति और तस्कीन के साथ यहां इबादत करते हैं और अपने धार्मिक दायित्व पूरे करते हैं। उन्हें यहां आकर अनूठा आध्यात्मिक संतोष मिलता है। तभी तो यहां आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सेंट मेरी चर्च में लगी मदर मेरी की प्रतिमा को देखकर साक्षात मां मैरी के दर्शन का आभास होता है। उनके इस ममतामय रूप को देखकर किसी का मन नहीं भरता और वहां से इधर उधर होने की इच्छा भी नहीं करती। प्रभु ईसा मसीह का ये पूजा स्थल दिल्ली की विरासत का अनमोल खजाना है और इसका आभास गिरिजाघर में प्रवेश करते ही हो जाता है। इसका मुख्य द्वार नीति और सद्भाव का रास्ता दिखाई देता है तथा प्रेरक, आकर्षक और मोहक भी है। अर्ध गोलाकार दिखने वाला प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं को अभिवादन करता प्रतीत होता है। गिरिजाघर के प्रवेश द्वार को देखते ही चर्च की भव्यता और महत्व का भी अंदाजा लग जाता है। इसे पूरी तन्मयता से डिजाइन किया गया
और ये भी अंदाजा लगाया गया था कि इसमें श्रद्धालुओं की तादाद किस तरह बढ़ती चली जाएगी। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि जैसे सर्वशक्तिमान परवरदिगार ईश्वर के शुभ शरण में पहुंच गए हों। इसलिए तो चर्च के भीतर के भाग को एक टक देखते ही रहने की हार्दिक और अंदरूनी इच्छा होती है, और देखते देखते भी ये इच्छा पूरी होती दिखाई नहीं देती और मन अतृप्त ही दिखाई देता है। ये वो प्यास है जो पीने से बढ़ती ही जाती है, ये वो जज्बा है जो कभी कम नहीं होता। यही आपको प्रभु यीशु मसीह के 10 उपदेशों को पढ़ने, समझने और जीवन में उतारने का भी मौका मिलेगा। इन उपदेशों को दीवारों पर रंग बिरंगे चित्रों के साथ, सलीके तरीके के साथ उकेरा गया है। ये वो संदेश हैं जो जीवन की गाड़ी का कांटा बदल देते हैं। ये वो संदेश हैं जो इंसान को अच्छा इंसान और बुरी राह पर चलने वालों को नेक रास्ते पर लाने में मददगार साबित होते हैं। इन संदेशों को अपनाने वालों का जीवन सफल हो जाता है। तभी तो यहाँ लोग वर्षों से लगातार आ रहे हैं। मैं तिमारपुर की हूँ। मैं इस पैरिश में लगभग 15 साल से आ रही हूँ। इस चर्च की ये खासियत है कि ये सबसे पुराना चर्च है, और ये चर्च ना ही एक वर्शिप का स्थान है, उसके साथ साथ ये बहुत पुराना भी है, इसीलिए इसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। यहाँ पर हम इतने पुराने हैं और हमारे से भी बच्चे और उनके रिलेटिव्स हैं, वो भी इसी चर्च में आना बहुत पसंद करते हैं। आसपास भी कई चर्च हैं, पर इस चर्च की यही खासियत है कि सबसे पुराने होने के नाते इसमें भक्ति भाव के अलावा अपनी कल्चरल हेरिटेज का भी दर्शन होता है, इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसमें फॉरेनर्स भी विजिट करने आते हैं, और साथ ही हमें इस चर्च की जो पुरानी ऐतिहासिक होने के वजह से इसकी इसको मेंटेन करके भी रखना चाहिए। यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति बेगाना नहीं रहता, वो चर्च का सदस्य बन जाता है। इस चर्च में और हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में एक ऐसी समानता है जिसका उल्लेख पूरे महत्व के साथ किया जाना चाहिए। यहाँ भी हरिद्वार और काशी के पंडों की तरह चर्च के पुजारी हर श्रद्धालु का पूरा लेखा जोखा यानी रिकॉर्ड रखते हैं। ये परंपरा हमारे सामाजिक रिश्तों और आपसी व्यवहार की सूचक है। इस पैरिश के जो परिश्नर्स हैं, जो रहने वाले कैथलिक्स हैं, करीब 350 से 400 फैमिलीज हैं जो यहाँ पर संडे सर्विस अटेंड करते हैं। और एरिया यहाँ का जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू होता है और इस तरफ सब्जी मंडी तक रहता है, और दूसरी तरफ दिल्ली गेट तक है, और यहाँ जमुना तक है। ये एरिया इस चर्च का है, और यहाँ पे जितने भी कैथलिक्स हैं यहाँ पर सर्विस अटेंड करते हैं, और उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जैसे फैमिलीज़ का हर रिकॉर्ड रखा जाता है, और फिर जो बच्चे पैदा होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, जो शादी होती है उनका रिकॉर्ड रखा गया है, और जो मर जाते हैं उनका सब रिकॉर्ड इस चर्च में रखा हुआ है। और क्योंकि ये इतना पुराना चर्च है, यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं वे पहले के भी रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पर 1865 से रखे हुए हैं, अभी काफ़ी डेलिकेट कंडीशन में हैं, परंतु वे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, और काफ़ी लोग आते हैं जैसे अपना रिकॉर्ड्स ढूंढने के लिए। जैसे इंग्लैंड से कुछ फैमिली जो वहाँ सेटल हो गई थी, वहाँ के प्रीस्ट जो यहाँ पर पैदा हुए थे, यहाँ पर बड़े हुए, वो भी आए थे यहाँ पर अपना रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए। और सेमेट्री जहाँ पर है, जो यहाँ पर दफनाए गए उस सेमेट्री में, उनका रिकॉर्ड्स भी यहाँ रखा गया है, और ये लोग आते हैं अपना सर्टिफिकेट्स यहाँ से जमा करने के लिए। चर्च के भीतर बने चूना पत्थर के गोलाकार स्तंभ देखे जा सकते हैं। ये स्तंभ मजबूती और धैर्य के प्रतीक हैं, और इन्हें वास्तुकला के अनुरूप बनाया गया है।
चर्च का महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक ऑल्टर यहाँ की भव्यता का सूचक है। स्वर्ण की आभा लिए नक्काशीदार संगमरमर से बना ऑल्टर मिली जुली वास्तुकला का मिश्रण है। इसके एक ओर सेंट पीटर की प्रतिमा है और दूसरी ओर सेंट एंथनी की प्रतिमा। इन प्रतिमाओं को देखकर सतत प्रेरणा मिलती है और इन महान संतों की इन प्रतिमाओं को जिस प्रकार तैयार किया गया है उस मूर्ति कला का कोई उदाहरण नहीं मिलता। चर्च में धार्मिक भजन गाए जाते हैं और इस तरह प्रभु की वंदना की जाती है। चर्च में फादर द्वारा किए जा रहे पूजन यानी मास की भी एक अनूठी परंपरा है। पूजा में ही श्रद्धालु स्वयं को ईश्वर को समर्पित करते हैं। जो कुछ है सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पित। चर्च में आप जितनी देर रहेंगे उतनी ही देर ऑल्टर की भव्यता को निहारते रहेंगे। प्रमुख द्वार पर बनी बेहतरीन बालकनी को देखकर वास्तुकला की उत्कृष्टता का आकलन करना आसान नहीं। ऑल्टर के ऊपर लगी मदर मैरी की तस्वीर इसमें सोने पर सुहागे का काम कर रही है। चर्च में बैठकर श्रद्धालु बिना किसी रुकावट और संकोच के धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प व्यक्त करते हैं। इसी सद्मार्ग की तलाश में आदमी न जाने कहां कहां भटकता रहता है, मगर यहां पहुंचकर इस रास्ते का पता बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये वो दर है जहां से रास्ता खुशियों का मिलता है। ये वो दर है जहां आकर फूल खुशहाली का खिलता है। जो चाहा मिला इस दर पे आके, प्रभु के सामने सिर रख दिया तो फिर किस चीज की कमी होगी।
इस चर्च का महत्व बता रहे हैं दिल्ली के आर्क बिशप। कमिंग टू द सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल व्हिच इज द मेन चर्च ऑफ द कैथोलिक कम्युनिटी इन दिल्ली, दिस वॉज बिल्ट इन 1935। The work started in 1930. There was Father Luke, a Capuchin, who undertook this construction. And at that time, the total cost of the church was only 3 lakhs of rupees. We have a beautiful painting of the Last Supper. There is a beautiful crucifix. The altar was imported, and the architect was one Mr. Ned. I believe 8 architects competed in the selection of the architect, and Sir Lutyens, the architect of Delhi, was one of a team of 3 who selected Mr. Ned as the architect. He also designed the pews. And the main gate. Many of the articles in the church, like the Stations of the Cross, the pulpit, the big candlesticks, all these were gifts given by various people. चर्च में एक अन्य महत्वपूर्ण रस्म है जिसे बैप्टिज्म सेरेमनी कहते हैं। बच्चे का धर्म में विधिवत प्रवेश का ये महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम ईसाई धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस चर्च में इस रस्म को भी पूरी पवित्रता और पद्धति से संपन्न कराया जाता है। ये उंगली पकड़कर नेक रास्ते पर चलाने की परंपरा का प्रतीक है। ये वो स्थान है जहां 2 दिलों के मिलन पर धर्म की पक्की मुहर लगाई जाती है और शादी की रस्मों को धर्म के अनुसार संपन्न कराया जाता है। ये एहसास कराया जाता है कि प्रभु यीशु की अनुकंपा से 2 दिलों का मिलन हुआ है और दोनों को एक साथ रहकर नेक रास्ते पर चलना है। सन 1863 में बनी चर्च को 1967 में नया रूप दिया गया। चर्च पुरानी है मगर हर रोज नई दिखाई देती है। ये इसकी वास्तुकला और निर्माण के बेहतरीन होने का एक पुख्ता सबूत है। चर्च में सेंट जेवियर की प्रतिमा भी शानदार और जानदार है। और सेंट जोसेफ की प्रतिमा को देखकर भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इनके ठीक ऊपर की शानदार पेंटिंग जिसे देखकर लगता है कि चर्च अनूठी शान की बेहतरीन मिसाल है। चर्च का प्रांगण और हरियाली इस भीड़ भरे इलाके में राहत की सांस लेने का अनुपम स्थान है। चर्च का मास स्केड्यूल भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। चर्च के साथ दिल्ली में लड़कियों का उत्तम स्कूल प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्थित है जिसकी इमारत भी ऐतिहासिक है। चर्च में प्रीस्ट का निवास भी सलीके से बनाया गया है। सेंट मैरी चर्च को देखने के बाद यूं लगता है कि यह चर्च चांदनी चौक की विरासत का एक ऐसा अभिन्न अंग बन गई है और ये सर्वधर्म संभाव की धरती का अनमोल हीरा है। पुरानी दिल्ली की इस भव्य और गौरवमयी विरासत को हमारा प्रणाम।